नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोही का सर्विसेज में। और काफ़ी दिनों बाद लौटा हूँ मैं। तो आज अपन देखेंगे कि पीसीबी के अंदर जो वायरिंग होती है, इतने सारे कनेक्टर होते हैं, कौन सा कनेक्टर किस जगह पे जाता है। तो ये जो कनेक्टर है, इसके जो 3 पॉइंट है, ये प्रेशर सेंसर पे जाएंगे। उसके बाद में 1 पॉइंट इसका न्यूट्रल का या फेस का जाएगा, कोई सा भी 1 पॉइंट रहेगा। और इन दोनों में से एक न्यूट्रल फेस का रहेगा, तो उसमें जो ट्रांसफार्मर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 1.4 किलो ओम के आसपास, जिन दो या तो इन दोनों में आएगी या तो इन दोनों में आएगी, ठीक है। उसके बाद में जो 1 पॉइंट है, वो इस रिले से न्यूट्रल आउट होगा जब हम जैसे इसका पावर ऑन बटन दबाएंगे, राइट। तो मान लीजिए इन दोनों में 1.4 किलो ओम आया, इसका मतलब इन दोनों में न्यूट्रल फेस लगेगा और ये न्यूट्रल आउट होगा। और इन दोनों में आया तो फिर ये न्यूट्रल आउट होगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये फुल ड्रेन के लिए काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का ये जो पॉइंट है, ये इनलेट वॉल के लिए काम आएगा। और ये मोटर की एक सप्लाई है, क्लॉक एंटी क्लॉक, जो भी मान लीजिए आप, एक ये दूसरे सप्लाई है क्लॉक एंटी क्लॉक। उसके बाद में मैंने थोड़ा यहाँ पर लिख रखा है, ये हाफ ड्रेन के काम आएगा, है ना। और ये लेट वॉल का हो गया और ये ट्रेन का हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक चीज़ और मिसिंग हो रही है, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एक यहाँ पर एक जेक दिया है, ये जेक का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये हार्डनेस सेंसर के लिए दिया जाता है। जब मशीन को आप ऑन ऑफ करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लाइट दिखेगी, जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट दिखेगी। वो लाइट, 3 लाइट होती है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो वो डिटर्जेंट को दिखाता है कि आपको डिटर्जेंट कैसा डालना है, है ना। तो डिटर्जेंट की मात्रा को अपन बढ़ा सकते हैं यदि इसमें रेड लाइट है तो। ऑरेंज है मतलब ठीक ठाक है, और ग्रीन है मतलब बहुत बढ़िया सूटेबल है। तो वो पानी की हार्डनेस को भी लेके होता है, टेम्परेचर को भी लेके होता है, और डिटर्जेंट की मात्रा को भी लेके होता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।